বকেয়া বেতন ও কাজের দাবি জানিয়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ইনপিএক্স কারখানার গেটের সামনে। বিবাদ পিছু ছাড়ে না ইনপিএক্স ফেরো টেক লিমিটেড কারখানায়। কখনো অতিরিক্ত দূষণ বা কখনো বকেয়া বেতন নিয়ে প্রায় দিনই কারখানার মুখ্য গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখা যায়। সোমবার ইনপিএক্স এর পাওয়ার প্ল্যান্টে কর্মরত ঠিকাদার কোম্পানি এসআর টার্বোর তত্ত্বাবধানে প্রায় 104 জন শ্রমিকেরা মিলে বকেয়া 3 মাসের বেতন এবং পুনরায় কাজের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবশেষে কুলটি থানার চৌরঙ্গী ফাঁড়ির পুলিশ এসেও বিক্ষোভকারীদের শান্ত করে এরপর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেও কোনো লাভ হয়নি। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সরাসরি জানিয়ে দেন তাদের এখন কিছু করার নেই। শ্রমিকদের অভিযোগ, বেতন না পাওয়ার জেরে দুদিন ধরে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে তারা। বেতন চাওয়ার জন্য তাদের কাছ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। গত 3 মাস ধরে তারা বেতন পায়নি। তাছাড়া তারা যে ঠিকাদারের কাছে কাজ করত সে এই অবস্থায় তাদের ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং ইনপেক্স কোম্পানি তাদের কাজ অন্য এক কোম্পানিকে দিয়ে দেয়। এখন তারা জানায় তাদের কাছে একটাই পথ খোলা রয়েছে, হয় আত্মহত্যা না হলে বিক্ষোভ। मामला ये है सर कि हमारी कंपनी यहाँ पिछले 8 महीने से एसआर टर्बो पावर प्लांट को चला रही है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, लेकिन हमारे मालिक को जो हमारा प्रोप्राइटर था आर पी सिंह उसको पैसा 3 महीने से नहीं दी 4 महीने से नहीं दिया गया है और वो कल जो है हाथ खड़ा करके सरेंडर करके रवाना हो गया, इधर से चला गया। हमारे पास 3 महीने की सैलरी हम लोगों की नहीं हुई है, हमारे परिवार हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई स्टैंड ले नहीं रहा है। आज स्थिति ये है कि गेट जो है हम लोग को नो एंट्री लगा दिया गया, कोई जो है बात करने तक को तैयार नहीं है। गेस्ट हाउस बंद हो गया है, गेस्ट हाउस बंद हो गया, मेस बंद हो गया, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। हम लोग 70 से 80 आदमी हैं, कल से भूखे हैं। हम लोगों की क्या गलती थी, दिन रात एक करके इस कंपनी को चलाया, 15 दिन से प्रॉब्लम है। वो इनका आंशिक प्रॉब्लम है, इनका अपना प्रॉब्लम है कोयले का या जो भी प्रॉब्लम हो। दूसरा चीज कि हम लोगों ने बोला कि जो है हम लोगों की सैलरी 3 महीने की फंसी हुई है, कम से कम 1 महीने की सैलरी दे दीजिए। आज स्थिति यह है कि हमारे पास 30 से 40 रुपए भी लड़कों के पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। कंपनी प्रबंधन से कुछ कहा गया? प्रबंधन से कहा गया था कि आपको दिया गया, लेकिन नया वेंडम नया कंपनी बुला लिया, उनका काम शुरू हो गया है, हमारे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। प्रबंधन कल हमको आश्वासन दिए थे कि हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आज हमको आश्वासन दिया गया है कि आपको जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को पैसा नहीं देंगे। यानी कि उनका मतलब यही है कि हम अपने एम्प्लॉय को 4 महीने से पैसा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब है हमको 4-5 महीने बाद पैसा मिलेगा। आगे आप लोगों ने क्या करने का निर्णय लिया है? निर्णय कुछ नहीं है, हम लोग यहीं खड़े हैं, बैठे हैं, प्रशासन से बात चल रही है और यही इन लोगों की बात चल रही है। अगर नहीं होगा तो हमने अपने बच्चों को फोन करके बोल दिया है कि तुम भी आत्महत्या कर लो और हम भी आत्महत्या करके मर जाते जा रहे हैं, और क्या करेंगे। कल्चर यही हो गया है जान जी, 3-3 महीने बच्चे उधर घर में बच्चे भूखे मरेंगे, इधर हम मर जाएंगे, तो क्या करेंगे, हम भी आत्महत्या करके मर जाएंगे। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।